सत श्री अकाल जी। का खालस टीवी देखने वाले देश दुनिया के साडे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब दीयां खास खबरों के खास बुलेटिन के नाल मैं हरशरण कौर। अज 2 अप्रैल है, दिन शनिचरवार है। खबरों के इस खास बुलेटिन विच तुहानू पंजाब दीयां सारियां वड्डियां ताज़ा ते अहम खबरां दस दिंदे आं। मोदी सरकार दे धक्केशाही वाले फैसलों के खिलाफ कल पंजाब विधानसभा दे विच मता पास किया गया है। बहुत ही तिखे शब्दों के मांग की गई है कि चंडीगढ़ नूं पंजाब दे हवाले किया जाए, क्योंकि चंडीगढ़ पंजाब दा है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मता पेश किया, जिसते सारियां सियासी धिरां ने हमायत दित्ती, जबकि बीजेपी ने वॉकआउट किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी इस मते नूं अर्थहीन दसिया। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ ते हरियाणा दा हक हमेशा रहेगा। खबर किसानां दे नाल जुड़ी हुई है। केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर ने राज्यसभा दे विच कल दसिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों किए गए वादे के मुताबिक सरकार MSP बारे कमेटी जरूर कायम करेगी। हालांकि यह नहीं दसिया कि यह कमेटी कदों बनेगी। उन्होंने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चे वालों इस कमेटी लिए भेजे जाने वाले नावों की असी उड़ीक कर रहे हैं। राज्यसभा दे विच DMK लीडर M शान मुगम के पूरक प्रश्न के जवाब विच तोमर ने कहा कि 3 नवे खेती कानूनों के खिलाफ किसानों के वालों साल भर किए गए रोस मुजाहरों तो बाद प्रधानमंत्री वालों किए गए वादे के मुताबिक सरकार MSP कमेटी बनाने के लिए वचनबद्ध है। इस करके MSP नूं होर पारदर्शी बनाने के लिए कमेटी बनाई जाएगी ते सरकार इन्हां मुद्दों ते काम कर रही है। उन्होंने भी दस्सिया कि असी मोर्चे नूं नाम भेजण लई कहा है, असी उन्हां नाल गल कर रहे हैं, जिवें उह नाम भेज देणगे कमेटी बन जाएगी। ते तोमर दे इस जवाब तों बाद मोर्चे ने भी उत्तर दिता है। मोर्चे ने दोष लाया कि केंद्र सरकार MSP ते किसान अंदोलन नाल जुड़े होर मुद्दों तों टाला वट रही है। सरकार ने कहिंदे MSP संबंधी कमेटी नाल जुड़ियां मद्दां बारे कुछ भी स्पष्ट नहीं किया। मोर्चे ने इस संबंधी 30 मार्च नूं केंद्र सरकार नूं चिट्ठी भी भेजी सी, पर उस चिट्ठी दा भी हाले जवाब नहीं आया। संयुक्त किसान मोर्चे दे लीडरां डॉक्टर दर्शनपाल, जगजीत सिंह डल्लेवाल, हनन मौला समेत होरां ने कहा कि दसंबर महीने तो सरकार ने इस कमेटी दे गठन लई कोई कदम नहीं चुकिया ते अखीर विच 22 मार्च नूं मोर्चे दी तालमेल कमेटी दे मैंबर युद्धवीर सिंह नूं खेतीबाड़ी सकत्तर संजय अग्रवाल दा फोन आया, जिहदे विच भारत सरकार वल्लों कमेटी दे गठन लई मोर्चे तों 3 नाम मंगे गए सी। उन्होंने कहा कि मोर्चे ने अग्रवाल नूं ईमेल राही 25 मार्च नूं सवालों ते स्पष्टीकरण देण लई बेनती कीती ते इह चिट्ठी 30 मार्च नूं मुड़ भेजेगी, पर हाले तक कोई जवाब नहीं आया। तो पिछले दिनी मोहाली दे विच जिहड़ी किसानां दी वड्डी रैली हुई है, उस दे विच भी डॉक्टर दर्शनपाल ने यह जानकारी दित्ती सी। किसानां तों इसकी सहमति भी लई सी कि MSP कमेटी दे लई नाम असी उदों तक नहीं भेजांगे जदों तक सरकार सानूं लिखती रूप दे विच इह नहीं दस दिंदी कि उस कमेटी दे नियम ते शर्तां की होणगीआं ते उस कमेटी दे विच सरकार वल्लों किहड़े मैंबर शामिल होणगे, ते जदों तक सरकार लिखती तौर ते साडे तों इह नाम नहीं मंगदी उदों तक असी नाम नहीं देंगे। सो MSP का मसला लटकता ही जा रहा है। सरकार सदन दे विच कुछ होर दावे पेश कर रही है, जबकि किसानों ने अपना स्पष्टीकरण दे दिता है कि सरकार ही टाला वट रही है। हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के प्रधान बलजीत सिंह दादूवाल कल सचखंड श्री हरिमंदर साहिब विखे मत्था टेकण पहुंचे। इस मौके उन्होंने श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार नूं अपील की कि सबका मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल तो फखरे कौम पुरस्कार वापस लिया जाए। उन्होंने कहा कि लंघिया चोणों के सिख कौम और पंथ ने बादलों बुरी तरह के नकार दिता है, तो नकारिया होया व्यक्ति कौम का फखर हो ही नहीं सकता। मुतवाजी जथेदार रहे दादूवाल 2020 तो हरियाणा की आपे बनी एडहॉक गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान ने। हालांकि इस कमेटी का मामला सुप्रीम कोर्ट के विचार अधीन है। अमृतसर दे विच मीडिया नाल गल करदिआं दादूवाल ने यह भी कहा कि दिल्ली वांगू हरियाणा दे सिखां नूं भी गुरुद्वारां दी संभाल दी सेवा मिलनी चाहीदी है ते हरियाणा विच वक्खरी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी होनी चाहीदी है। उधर लंघे दिनी प्रकाश सिंह बादल दे हल्के लंबी दे विच किसानां ते जिहड़ा पुलिस दा लाठीचार्ज होया सी उस दे विरोध विच किसानां ने वड्डी रैली कीती। श्री मुक्तसर साहिब विखे होया इह वड्डा इकट्ठ करीब 4 घंटे जुड़िया रहा, जिस दे विच बीबियां वड्डी गिणती विच शामिल होईआं। धरने विच शामिल लोकां ने बसंती रंग दीआं दस्तारां ते दुपट्टे लए होए सी। किसानां ते मजदूरां ने DC, SDM ते DSP खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। इस मौके भारतीय किसान यूनियन एकता उगराहां दे सूबा प्रधान जोगिंदर सिंह उगराहां भी पहुंचे हुए सी। उन्होंने सरकार नूं चेतावनी दित्ती है आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार नूं कि मंगां दी पूर्ति तक मुक्तसर दे DC दफ्तर के मूहरे अणमिथे समय का धरना जारी रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि जदों तक इन्हां अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई और नरमे के किसानों मुआवजा नहीं मिल जाता उदों तक इत्थे असी बैठे रहांगे।
बरगाड़ी बेअदबी और बहबल कलां गोलीकांड के नाल जुड़ी अहम खबर है। इत्थे बहबल कलां पिंड दे विच पीड़ता ने जिहड़ा अणमिथे समय का धरना लाया होया उन्होंने वालों सरकार नूं दिता गया अल्टीमेटम 31 मार्च तक खत्म हो गया। तो हुण 6 अप्रैल नूं बहबल कलां दे विच वड्डा इकट्ठ करन दा ऐलान किया गया है। धरने वाली थां ते मरहूम कृष्ण भगवान सिंह दे पुत्तर ते इंसाफ मोर्चे दे मोहरी सुखराज सिंह ने कहा कि पंजाब सरकार 7 सालों बाद भी बहबल गोलीकांड के मुलजमान खिलाफ़ शुरू की गई कार्रवाई नूं हाले तक किसी अंजाम तक नहीं पहुँचा सकी। इस केस विच नामजद हुए उच्च पुलिस अधिकारी पुलिस जमानत लैके बाहर शरेआम घूम रहे ने। अदालत विच चलान पेश होने तो 2 साल बाद भी मुलजमान के खिलाफ दोष आयद नहीं हो सके। बरगाड़ी इंसाफ मोर्चा कड के पिछले 110 दिनों तो धरने ते बैठे इन्हां पीड़ितां नूं मिलण दे लई अज तक श्री अकाल तख्त साहिब दे कार्यकारी जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह नहीं पहुंचे, जिहड़े कि अमृतसर तो तलवंडी साबो दा सफर आम ही करदे रहिंदे ने पर कदे वी इस धरने वाली थां ते नहीं रुके। लंघे दिनी साबका कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू अते सुखपाल सिंह खहरा भी इत्थे मोर्चे ते वख-वख समयां ते आए सी अते मोर्चे दा समर्थन करदिआं उन्हां ने हर संभव मदद देण दा भरोसा भी दित्ता सी। पंजाब सरकार भ्रिष्टाचार रोकू हैल्पलाइन दे तहत लगातार कार्रवाइयां कर रही है भ्रिष्ट मुलाजमां ते अधिकारियां दे खिलाफ। ताज़ा मामला संगरूर जिले दे विच दर्ज होया है। एक मिली शिकायत दी पड़ताल दौरान विजिलेंस ब्यूरो दी टीम ने पंजाब पुलिस दे सहायक सब इंस्पैक्टर संजीव कुमार नूं भ्रिष्टाचार दे दोष हेठ गिरफ्तार किया है, जिसने थाना शेरपुर दे विच मुकदमे दा चलान चैक करवाउण ते धारा 498A IPC घटाउण दे लई 10,000 रुपये की रिश्वत मंगी सी। शिकायतकर्ता तहसील धूरी दे पिंड हेड़ीकी दे रहण वाले संदीप सिंह ने। पंजाब दे विच कल तो कणक की सरकारी खरीद भी शुरू हो गई है, जिसकी रस्मी शुरुआत राजपुरा मंडी तो हुई। राजपुरा मंडी दे विच पहले दिन 16 मीट्रिक टन कणक की आमद हुई, जिदे विचों 9 मीट्रिक टन कणक की खरीद हो गई। पहले दिन सूबे दियां कुछ मंडियां दे विच ही कणक पहुंची, क्योंकि हाले तक सूबे दे सारे जिलों दे विच वाढ़ी दा सीजन नहीं शुरू होया। मालवे दे कुछ जिलों दे विच जरूर शुरू हो चुके हैं। पंजाब दे विच कुल 1862 खरीद केंद्र बनाए गए ने, जिन्हां विचों 458 आरजी खरीद केंद्र ने। कई थावां तो यह भी खबरां मिली हैं कि पंजाब मंडी बोर्ड ने हाले तक काफ़ी मंडियां तैयार ही नहीं कीतियां। बेशक इन्हां खरीद केंद्रां दे विच फसल भी नहीं आई, पर खरीद केंद्रां दे प्रबंध जरूर लेट नज़र आ रहे ने। ऐतकी कणक का सरकारी भाव 2015 रुपये प्रति क्विंटल है, जबकि बाजार के भाव लगभग 2300 रुपये प्रति क्विंटल तक चल रहा है। तो व्यापारी तबका भी किसानों के नाल अगाऊ सौदे कर रहा है, क्योंकि रूस यूक्रेन जंग के चलद्या ऐतकी कणक की कौमी ही नहीं कौमांतरी पद्धर से भी काफ़ी मंग वधी हुई है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान दे शहर संगरूर दे विच पुलिस भर्तियां दी प्रक्रिया नूं अंजाम तक पहुंचाउण दे लई जो नौजवानां ने धरना शुरू कीता होया उह लगातार जारी है। पिछले दिनी 2 धरनाकारी कुड़ियां दी हालत खराब हो गई सी, हस्पताल च दाखल सन, छुट्टी होण तों मगरों मुड़ धरने ते डट गईआं ने। इत्थे 2 कुड़ियां ते 5 उम्मीदवार लगातार पाणी वाली टैंकी ते डटे होए ने, जदकि बाकी उम्मीदवारां दा मुख्यमंत्री दी कोठी मूहरे रोस धरना चालू है। तो प्रशासन ने हाले तक मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान दे नाल इन्हां धरनाकारियां दी मीटिंग नहीं फिक्स करवाई, तो इसे दी मंग कर रहे ने कि उह मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान नूं मिल के यह मंग कर सकन कि पंजाब पुलिस दे विच 2016 तो अधूरी पई भर्ती प्रक्रिया मुकम्मल सिरे चढ़ाई जाए। श्री मुक्तसर साहिब इलाके दे पिंडां दे लई खतरे वाली खबर है, क्योंकि इत्थे सरहंद फीडर दे विच पाड़ पै गया, जिस कारण कई पिंडां नूं खतरा हो गया। पाड़ पूरन दे लई 200 दे करीब व्यक्ति जद्दोजहद कर रहे ने, किसान ही जद्दोजहद कर रहे ने। पिंड थांदेवाला ते पुट्टीवाला दी हद दे नेड़े सरहंद फीडर नहर दे विच वड्डा पाड़ पै गया, जिस दे नाल राजस्थान कैनाल दे विच पाणी भर गया ते नेड़ले पिंडां दे लई वड्डा खतरा दस्सिया जा रहा है। राजस्थान कैनाल दी पहलां ही मुरम्मत चल रही सी, जिहड़ी कि फिलहाल रुक गई है, ते हुण राजस्थान कैनाल दे विचों पानी दा रिसाव रोकण दे लई इस नहर चों पानी कढ के नाल वगदी सरहंद फीडर नहर विच पाया जा रहा है। ते बड़ी हैरानी दी गल है कि लोग खुद ही इलाके दे लोग खुद ही इह पाड़ पूरन दे विच लगे हुए ने। 200 दे करीब लोग जद्दोजहद कर रहे ने, जबकि प्रशासन का कोई भी अधिकारी हाले तक इत्थे नहीं पहुंचा। तो जदों पत्रकारां ने नहरी विभाग नूं संपर्क किया तो उन्हां दा यही कहना है कि सरहंद फीडर ते पानी बंद करन दी कारवाई असीं शुरू कर दित्ती है। पंजाब सरकार ने एक नवा ऐलान किया है, स्कूलों के नेड़े तेज़ रफ्तार वाहन चलाउण ते रोक ला दिती गई है। यह ऐलान पंजाब के ट्रांसपोर्ट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने चंडीगढ़ के विच किया, जिथे उन्होंने एकीकृत सड़क दुर्घटना डेटाबेस प्रोजेक्ट की शुरुआत की। उन्होंने दस्सिया कि सूबे दे विच सड़क हादसों दौरान प्रतिदिन 10 to 12 मौतां हो रही ने, जो देश दे विच प्रतिदिन हो रही 8 to 9 मौतों के नालों भी वध ने। उन्होंने दस्सिया कि 7 प्रमुख सूबे पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, यूपी
राजस्थान दे विच IRAD प्रोजेक्टां दी शुरुआत की गई है, पर पंजाब इस प्रोजेक्ट दे विच उच्च तकनीक की वरतों करन वाला पहला सूबा बनिया है, जिथे IRAD नूं थाणियां दीआं हद्दां नाल GIS नक्शियां दे राहीं जोड़िया गया है। उन्हें खास तौर पर हदायत की है सूबे के विद्यार्थियों की सुरक्षा यकीनी बनाने के लिए कि सारे स्कूलों के नेड़े, चाहे वह सरकारी स्कूल ने चाहे प्राइवेट स्कूल ने, उन्होंने नेड़े रफ्तार की उपरली हद 25 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई है, जिस संबंधी नोटिफिकेशन भी सारे जिलों के प्रशासन जारी कर दिता। उन्हें ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों को हदायत की है कि स्कूलों के नेड़े सरकारी निर्देशों की पालना सख्ती के नाल यकीनी बनाई जाए। तो पंजाब दे विच हुण प्राइवेट वाहनां ते हूटर लाउण वालिआं दे खिलाफ भी कार्रवाई होवेगी। पंजाब दे वधीक DGP ट्रैफिक ने सारे जिला पुलिस मुखियां ते सारे कमिश्नर पुलिस नूं चिट्ठी जारी करके पुलिस विभाग दे मुलाजमां ते अधिकारियां दे वल्लों निजी वाहनां ते सायरन जां हूटर दी वरतों रोकण दे हुकम जारी कीते ने। तो जे पुलिस विभाग का कोई भी मुलाजम या अधिकारी अपने निजी वाहनों से सायरन या हूटर लाएगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो यह भी स्पष्ट किया है कि पुलिस मुलाजमान के नाल नाल उन्होंने बच्चे भी जे निजी वाहनों से लाए सायरन या हूटर वजा के आम लोगों को परेशान करेंगे तो उन्होंने खिलाफ भी कार्रवाई होएगी, क्योंकि ये आवाज़ प्रदूषण तो पैदा होंगे ही होंगे, तो नाल ही लोगों के जी फोकी हैंकड़बाजी दिखाई जाती है उसनों भी हुण ठल पवेगी। तो जदों हूटर वजदियां कारां सड़कां दे उत्ते चलदियां ने तां आम लोगों नूं खासी परेशानी दा सामना करना पैंदा है। एक होर फैसला करदिआं पंजाब सरकार ने हुक्म जारी किया है कि पंजाब पुलिस के मुलाजमान नूं हुण जन्मदिन ते वधाई दे कार्ड भेजे जाणगे। पंजाब पुलिस ने अपने मुलाजमान दे जन्मदिन नूं खुशनुमा ते यादगारी बनाउण दे लई इह निवेकली पहल की है। सूबे दे DGP VK Bhavda ने दस्सिआ कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ते उन्हां दे वल्लों सांझे तौर ते हस्ताक्षर किया गया एक ग्रीटिंग कार्ड है, जिहड़ा ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਮਦਿਨ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਲਗਨ, ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਓਗੇ। ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮਦਿਨ ਮੌਕੇ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਧਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਮਸਲਾ ਬੜਾ ਹੀ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਕਰਕੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਸਮੇਤ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤਿੱਖੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਤਾਰ ਕੇ ਉਸਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਦਰਅਸਲ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਨੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮਿਆਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਦ੍ਰਿੜ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਨੋਇਡਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਤੁਗਲਕਾਬਾਦ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ CISF ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਮੈਂ ਮਾਪਣੀ ਹੈ, ਬਲੇਡ 6 ਇੰਚ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 6 ਇੰਚ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਰਪਾਨ ਮਿਆਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਉੱਤੇ ਹੀ ਅੜਿਆ ਰਿਹਾ। ये आज मुझे यहाँ पे रोक रहे हैं मेट्रो स्टेशन पे बिकॉज ऑफ माई कृपान। कृपान को बोल रहे हैं कि ये निकाल के दिखाएं मेरे को निकालना, जबकि हमारे पास अलाउड नहीं है। और अब ये कुछ बोल नहीं रहे हैं। अब बताइए सर, अब बताइए सर,
सर आप बताइए क्या दिक्कत है, इसको बंद करें इसको सर आप सर आप बताइए क्या दिक्कत है, बाहर चलिए या दिखाइए सर आप बताइए दिखाइए या बाहर चलिए सर, ये मैं रोज रोज जाता हूँ मैं यहाँ से डेली रूट में रोज जाता हूँ मेरी ड्यूटी है मैं रोज जाता हूँ यहाँ से सर, मेरे को ये बताइए कि अब आपको क्या प्रॉब्लम है, वीडियो मत खींचो वीडियो में सर, ये मेरा राइट है आप उसको मना नहीं कर सकते। वीर जी एक मिनट आयो वीर जी, हाँ जी सर अब बताइए क्या दिक्कत है बताइए, मैं जल्दी बताइए प्लीज सर, मेरे को जाना है लेट हो रहा है मेरे को, आपको दुश्मन ही है आपने बोला था अभी, आपको बोला था अभी मेरे से दुश्मन है आपको प्राइवेट पर्सनल, अब बताइए बोलिए वो बोली बात, अब बाहर जाना है मेरे को बताइए क्या रीजन क्या है मेरा बाहर जाने का, दिखा दीजिए बस, हाँ क्या कैसे दिखानी है लीजिए देख लीजिए देख लीजिए कैसे दिखानी है, को दिखाओ मेरे को कितना बड़ा है, मैं आपके बोल रहा हूँ सर 6 इंच का है ब्लेड आपके बोलने से हो जा रहा है मेरे देखने से, और अगर आपको देखने से बाद में क्या बोलते हैं बोले कट के दिखाई निकाल के दिखाना अलाउड थोड़ी ना, कैसी बातें कर रहे हो सर आप, पहली बार बैठे हुए हैं पता नहीं सर, ये किसने निकाल के दिखाई आज तक आपको, निकाल के मेरे को इशारा नहीं दिखाई, मैं कोई पहली बार नहीं कभी नहीं कोई निकाल के दिखाएगा सर आपको सर, मैं मतलब क्या बता कर रहे हैं बातें कर रहे हैं सर, और सर मैं आपको नॉर्मल बातें कर रहा हूँ आप भड़क रहे हैं, अब बोले दुश्मनी है। तो सिख नौजवान जसप्रीत सिंह के मामे ने जानकारी दी कि काफ़ी बहस तो बाद जसप्रीत की कृपान को बिना नापिया ही उसनू अगे जान दे दिता गया सी, पर एक घटना काफ़ी कुछ संकेत दिंदी है जिसनों लैके सिख भाईचारा हमेशा चिंतित रहा है। खबर जिला गुरदासपुर तो है जिथे बटाला रोड से स्थित एक निजी स्कूल दे विच एक 4 साल की बच्ची दे नाल जबर जनाह की शर्मनाक करतूत की गई है, यह मामला सामने आने तो बाद बच्ची के माता पिता ते शहर दियां समाजिक जथेबंदियां ने धरना ला के अमृतसर पठानकोट हाईवे ते आवाजाई ठप कर दिती अते पूरा दिन आवाजाई प्रभावित रही, प्रदर्शनकारी लोगों के मुताबिक बच्ची दे नाल स्कूल दे विच ही कथित जबर जनाह किया गया है, हालांकि पुलिस ने अणपछाते व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज कर लिया, पर प्रदर्शनकारी स्कूल प्रबंधकों खिलाफ केस दर्ज करवाउण अते स्कूल बंद करवाउण की मांग ते अड़े रहे। पीड़ित बच्ची की माँ ने दसिया कि उसकी बच्ची LKG जमात दे विच पढ़ती है, लंघी दोपहर करीब 2:30 बजे वह धी नूं स्कूल तो घर लैके आई, रात नूं सौंदे समय उसकी धी ने दसिया कि पेट विच दर्द हो रहा है, खराब हालत देखदिया वह सिविल हस्पताल लै गए जिथे जांच तो बाद डॉक्टरां ने खुलासा किया कि इस बच्ची दे नाल जबर जनाह होया है, तो उन्होंने दोष लाया कि बच्ची दे नाल स्कूल दे ही किसी मुलाजम ने अजिहा किया है, तो स्कूल प्रशासन पूरी तरह जिम्मेदार है, सवेर तो देर शाम तक दोवें पासियां तो आने वाली आवाजाई बुरी तरह दे नाल इस धरने के कारण प्रभावित रही, पर पुलिस के वलों स्कूल प्रबंधकों के खिलाफ कोई कार्रवाई सीधे तौर पर ना करके अणपछाते व्यक्ति खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पंजाब दी खास खबरां दे इस खास बुलेटिन दे विच तुहानू कुछ होर खबरां विस्तार नाल दस दिंदे आं, वीरवार नूं पंजाब विधानसभा दा विशेष इजलास सद्या गया ते विधानसभा ने उस मते नूं पास कर दिता जिस राही केंद्र तों चंडीगढ़ नूं तुरंत पंजाब नूं सौंपण दी मंग कीती गई है, यानी कि चंडीगढ़ तुरंत पंजाब नूं सौंपण लई विधानसभा ने मता पास कर दिता है, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने BJP दे 2 विधायकों की गैर मौजूदगी दे विच इह प्रस्ताव पेश किया, इन्हां विधायकों ने मते के खिलाफ सदन दे विचों वॉकआउट किया, आम आदमी पार्टी कांग्रेस श्रोमणी अकाली दल ते बहुजन समाज पार्टी के विधायक इस प्रस्ताव के समर्थन में आए ते केंद्र दे इस कदम नूं तानाशाही दस्या, मुख्यमंत्री ने विधानसभा दे विच मता पेश करके चंडीगढ़ नूं तुरंत पंजाब दे हवाले करन दी मंग कीती, उन्होंने कहा कि पिछले समय दे विच वी सदन ने कई मते पास करके केंद्र सरकार नूं चंडीगढ़ पंजाब नूं सौंपण दी बेनती की है, मुख्यमंत्री वल्लों सदन विच पेश कीते गए मते दे मुताबिक लोगों दीआं भावनावां नूं ध्यान विच रखदे होए इस सदन एक बार फिर चंडीगढ़ नूं तुरंत पंजाब नूं सौंपण दा मामला केंद्र कोल रखण दी सिफारिश करदा है, केंद्र सरकार ने चंडीगढ़ विखे बाहरले अफसरां नूं तैनात कीता है ते चंडीगढ़ प्रशासन दे कर्मचारियों लई केंद्रीय सिविल सेवा नियम लागू किए हैं जो अतीत विच बनी सहमति समझ दे बिल्कुल विरुद्ध हैं, चंडीगढ़ शहर नूं पंजाब दी राजधानी वजों होंद विच लिआंदा गया सी, जेकर पिछलियां मिसालां वेखो तां जदों भी किसे राज दा बंटवारा होया है तां राजधानी मूल राज दे कोले रहिंदी है, इसलिए पंजाब मुकम्मल तौर पर चंडीगढ़ नूं पंजाब नूं दित्ते जाण लई अपना दावा पेश कर रहा है, पहला भी ये सदन ने चंडीगढ़ पंजाब नूं देण लई केंद्रीय सरकार पास बेनती करदे होए बहुत सारे मते पास किए ने, एक सुरता बनाए रखने लई अते लोकां दी भावनावां नूं ध्यान च रखते हुए ये सदन एक बार फिर चंडीगढ़ पंजाब नूं तुरंत देण लई केंद्रीय सरकार कोल मामला उठाउण लई राज सरकार नूं सिफारिश करदा है, ये सदन साढ़े संविधान विच दर्ज संघवाद के सिद्धांतों सत्कार देने लई राज सरकार सरकार नूं सिफारिश करदा है
कि केंद्रीय सरकार नूं बेनती करे वो अजिहा कोई भी कदम ना चुके जिस नाल चंडीगढ़ प्रशासन BBMB वर्गियां होर सांझियां संपत्तियां BJP तों बिना एकजुट नजर आईआं। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने विधानसभा दे सैशन दौरान अपने भाषण विच सारयां दा धन्नवाद कीता ते कहा कि किसे एक दी लड़ाई नहीं है, इह सब दी लड़ाई है। उन्होंने कहा कि पंजाब बहुत बारी डिग्गिया ते फिर उठ भी गया। कहिंदे मेरा संसद विच निजी तजर्बा रहा है कि सारे दक्षणी सूबे अपने मसलियां लई एक हो जांदे सी, उन्हां दे आपसी वखरेवें एक पासे रह जांदे सी ते सानू भी उसे तर्ज ते चलना चाहीदा है। अपने मसलियां दे लई सानू कट्ठे होकर संघर्ष करना पैणा है। बहुत सारे विरोधी धिर दे नेतागण ते सत्ताधारी पार्टी वल्लों बोले और ज़्यादातर उन्होंने इस मते की प्रोड़ता की है, स्वागत किया हक च, उन्होंने कहा कुछ सुझाव भी दिते ने। सो इस गल मैं सब तो पहला धन्यवाद करदा विरोधी पार्टी का, खास तौर पर कि तुसी मेरा हौसला बढ़ाया इस गल च, क्योंकि लड़ाई यह किसी सरकार की नहीं, लड़ाई यह किसी इंडिविजुअल की नहीं, ये लड़ाई अपनी सारे की है। पंजाब बहुत बारी डिग्या है पर पंजाब बहुत बारी उठा भी है। जिन्ने धाड़वी आते दिल्ली लुट्ट, सब तो पहला साडे बजुर्गों ना उन्हों का मुकाबला होंगे सी। एक बारी जान वेले, एक बारी दिल्ली लुट के जो आते उस वे, सो साडे खून दे विच अपने हक्कों प्रति जागरूकता है, साडे जीन्स दे विच है। BJP विधायक दे वल्लों मते दे विरोध ते मान ने तंज कसदिआं कहा कि नागपुरी संतरे तां सुणे सी पर नागपुरी भाषण पहली वारी सुणिआ। BJP वाले उठे, मनशा पे शक है, मैं नागपुरी संतरे तां सुणे सी पर नागपुरी भाषण विधानसभा च पहली वारी सुणिआ। उत्थों आउंदा इहनां दा भाषण नागपुर तों, ऐं बोलणा मजाल है? कोई होर बोल जे कुछ गल, उहनां दा वी हाल देख लो। सो पंजाब च रहने हो, पंजाब का खाना खाने हो, पंजाब का पानी पीने हो, तो मुड़ के कहने हो नहीं 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 पंजाब नहीं नहीं पंजाब नहीं नहीं। इस तो बाद विधानसभा की कार्रवाई अणमिथे समय के लिए मुलतवी कर दी गई। विधानसभा के विशेष सैशन के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अखीर दे विच संबोधन किया अते केंद्र सरकार ते वितकरे दे दोष भी लाए। उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास कहने वाले ने ना साथ दिता ते ना ही साथ लिया। असी पंजाब दे लई कहिंदे कदे भी दोगली नीति नहीं अपनावांगे, पंजाब पंजाबीयत लई जो भी कुछ करना पवेगा असी करांगे, पंजाब दे लई विधानसभा दे विच जां बाहर जां किते भी जाके लड़ांगे, पंजाब नूं देश दा सिरमौर सूबा बनाउणा ही साडा मकसद है। जिथे जिथे BJP नहीं चुनी गई इहदा मतलब देश दा हिस्सा नहीं हो। पंजाब ने बिजली मंगी एक्सट्रा सेंट्रल पूल चों, कहिंदे नो, हरियाणे नूं देती, दिल्ली ने हाईकोर्ट जाके रोक लवाई है कल, मतलब दूजे पासे प्रधानमंत्री जी कहिंदे ने सबका विकास सबका साथ, कित्थे साथ साडा जी, ना साडा साथ दिंदे हो ना साडा साथ लैंदे हो। सो पंजाब गुरुआं दे नाम ते बसदा है, बहुत सारे आ गए जिहड़े पंजाब नूं ऐ कर देंगे वो कर देंगे, पर पंजाब नहीं, पंजाब च दोबारा उगण दी शक्ति है। सो जिन्ना ये धक्का हो रहा है असी सख्त शब्दों से भी निखेधी करते हैं और आने वाले दिनों सेंटर तो टाइम लिया जाऊगा, जिस तरह बाजवा साहब ने कहा सीगा, होम मिनिस्टर तो टाइम लवेंगे, प्रधानमंत्री तो टाइम लवेंगे, राष्ट्रपति तो टाइम लवेंगे और पंजाब का पक्ष जोड़ा जबरदस्त तरीके रखा जाऊगा। मैं कोई पास की नहीं गल करता, इन्होंने नहीं रखा उदो, इन्होंने आ करता सी उदो, पास्ट इज पास्ट, इवन गॉड कांट चेंज पास्ट। इस विशेष सैशन दे विच आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के विधायक प्रताप सिंह बाजवा नूं सवाल भी किए, कांग्रेस ने अपनी सरकार वेले की कदम चुके ते कांग्रेस ने कदे भी BJP का विरोध क्यों नहीं किया। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने इस सवाल कांग्रेस पार्टी नूं किए। पहली अप्रैल नूं तुसीं पहली अप्रैल नूं दिन नहीं मंनदे, छोटे बच्चे अज पैदा होणगे तां मतलब ओह दिन ही माड़ा सी, अज चंडीगढ़ दे विच रूल लागू हो रहे हो, चंडीगढ़ च रूल लागू हो रहा है, विरोध कर रहे हैं।
ਸੀ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੂਲ ਅੱਜ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ 5 ਸਾਲ 'ਚ ਸਾਢੇ 4 ਸਾਲ ਤਾਂ ਸਿਸਮਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਸਾਢੇ 4 ਸਾਲ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੀ ਖੜਾ ਲੈਂਦੇ ਸਿਸਮਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਕੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਗਏ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਕੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਗਏ ਉਹਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ कांग्रेस ने विरोधी धिर दा लीडर नहीं चुनिया है इस करके उन्होंने तंज कसिया इस मते नूं पास करन दौरान सदन दे विच होर की कुछ होया ओह वी तुहानूं दस दिंदे हां बीजेपी दे विधायक अश्विनी शर्मा ने चंडीगढ़ मते नूं लै के आम आदमी पार्टी दी मंशा ते सवाल चुके अते इस मते दे खिलाफ भुगतदिआं विधानसभा चों वॉकआउट वी कर दिता बीजेपी दे सिर्फ 2 विधायक सदन दे विच ने इन्हां दोवां ने सदन चों वॉकआउट कर दिता सी अश्विनी शर्मा ने कहा कि इस मते नूं लै के आम आदमी पार्टी की सरकार की मंशा ठीक नहीं लगती उन्हां इह वी कहा कि केंद्र सरकार चंडीगढ़ के मुलाजमान का फिक्र करती है मैं जिहड़ा मता पेश कीता इहदी जो मंशा है मैनूं उहदे ते शक है और मैं इहदे विरोध दे लई खड़ा होया और उहदे पिछे कारण है कि पंजाब दे अंदर पंजाब सुनना भाई साहब पंजाब दे अंदर बहुत लंबे समय दे तो एक रवायत चलती आ रही है कि अपनिया नाकामिया छुपाने लई पंजाब दी जनता दे अंदर भ्रम पैदा करो पंजाब दी जनता दे अंदर नू गुमराह करो मैनू यह दसो ये मता ओदी ही कड़ी च है ये जड़ा पुनर्गठन सी 1966 दे अंदर सारे वक्ता बोले ने केंद्र ने ओदी केड़ी धारा दा दुरुपयोग कीता है उधर बीजेपी दे लीडर हरजीत सिंह गरेवाल ने चंडीगढ़ दे मुलाजमां बारे केंद्र सरकार दे फैसले दा समर्थन करदिआं कहा कि आम आदमी पार्टी दी सरकार बेवजह झूठियां गल्लां फैला रही है सियासत कर रहे ने ते अपना समां खराब कर रहे ने कहिंदे चंडीगढ़ पंजाब दा है ते पंजाब दा ही बीजेपी चंडीगढ़ नूं मंनदी है दावा कीता कि मुलाजमां नूं केंद्र दे फैसले दा फायदा होया ते ओह खुश वी हन ते केंद्र ने पंजाब कोलों कोई चंडीगढ़ खो नहीं लिया उधर सदन दे विच भगवंत मान दे भाषण दे चलदिआं हंगामा वी होया सुल्तानपुर लोधी तों विधायक इंद्र प्रताप सिंह नूं स्पीकर ने विधानसभा चो बाहर कढ दित्ता सी जदों सदन दे नेता बोलदे तां कोई भी मैंबर नहीं बोलेगा मंत्री जी बैठो राणा जी मैनूं नेम करना पवेगा राणा जी कृपा करके तुसीं बैठो मैनूं नेम करना पवेगा हाउस दा डेकोरम बना के रखना ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਤੇ ਤੰਜ ਵੀ ਕਸਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੋਕੇ ਦਿਖਾਵਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਜਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰਾਂਗੇ ਦੱਸ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਡੰਕੇ ਦੀ ਝੋਟ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਉਹਨੂੰ ਠੋਕੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਾਂ ਠੋਕੋ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਇਹ ਵਕਤ ਹੈ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਵਕਤ ਇਹ ਰਾਜਿਆਂ ਤੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵਕਤ ਇਹ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ ਚਕਾ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਵਕਤ ਮੈਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੈਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਬਹਿ ਜੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਜੇ ਠੋਕੋ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ सदन दे विच श्रोमणी अकाली दल दे MLA मनप्रीत सिंह अयाली ने भी पंजाब सरकार दे मते दी प्रोड़ता कीती उन्हां कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार ने पंजाब दे हितां दी राखी नहीं कीती अकाली दल चंडीगढ़ दे मुद्दे ते सूबा सरकार दे नाल खड़ के लड़ेगा अमृतसर पूर्वी तो आम आदमी पार्टी दी विधायक डॉक्टर जीवनजोत कौर ने भगवंत मान वल्लों पेश कीते मते तों बाद कहा कि पंजाब दे नाल सोची समझी साजिश दे तहत काम कीता जा रहा है इह देश दे संविधानक ढांचे दी शान दे खिलाफ है विधायक बुद्धराम ने कहा कि पंजाब सरकार दे नाल सरासर धक्का है 1966 विच ही
चंडीगढ़ पंजाब नूं मिलना चाहिंदा सी। पंजाब दे पिंड उजाड़ के बनाएगी राजधानी ते किसी होर दा हक किवें हो गया। राजधानियां स्वैमान दा प्रतीक हुंदियां ने ते पंजाब दे कोलों इह माण खोया जा रिहा है। कांग्रेस विधायक सुखपाल खैरा भी मते दे हक विच खड़े होए। खैरा ने सवाल किया पंजाब नाल धक्का क्यों। खैरा ने कहा कि देश की आजादी तो लैके कूका अंदोलन तक पंजाबियों ने हमेशा मूहरे होकर लड़ाई लड़ी है। सानू इनाम देने की थान साढ़े हकों उत्ते ही व्योंतबंदी के नाल काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि हुण अगे साडा इम्तिहान है ते लोग तां ही सलाउणगे जे असी लोगों की गल करांगे। खैरा ने मुख्यमंत्री मान नूं सांझे तौर ते अपनी मंगां नूं लैके दिल्ली विच रोस प्रदर्शन किए जाने का सुझाव भी दिता। कदरां कीमतां नूं छिक्के ते टंग के पौने 3 करोड़ आबादी नूं कहिंदे तुहाडा कोई परवाह नहीं, जिन्ने मर्जी मते पास करी चलो, पर इहदा मतलब नहीं कहा कि आपां पिछे हट जाणा, आपां लड़ना है। ठीक है, तुसीं इत्थे विधानसभा च लड़ाई लड़ी आ, तुसीं विश्वास दवाया कि बाहर भी लड़ांगे। जिथे जिथे लड़ोंगे, साडे मैंबर साहिबान ने सारिआं ने कहा तुहाडे नाल खड़ांगे। जद पंजाब की कोई गल आऊगी बिल्कुल पिछे नहीं हटांगे। एक छोटा जा भी कितने कॉम्प्रोमाइज नहीं नजर आएगा तुहानू इस लड़ाई दे विच, चाहे लख केस बनाई जाण, कोई सरकार टक्की आउण, जिन्ना मर्जी जो मर्जी करी जाण, पर जिथे साडे सूबे की गल आ, साडी भाषा की गल आ, साडे भविख की गल हैगी आ, वो आप सब एक थान से इकट्ठे हैं। नहीं तो फिर आप अगलियां पुश्तां नहीं कभी माफ करनियां, कहणगे नलायक बंदे साडे जिहड़े पुराने इत्थे भेजदे सी विधानसभा। कांग्रेस विधायक प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि सानू मिल के केंद्र के फैसले खिलाफ लड़ाई लड़नी पवेगी, सिर्फ मता लियाउण नाल कुछ नहीं होने वाला। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि असी सरकार दे नाल हाँ इस मसले के उत्ते। यह भी दावा किया कि केंद्र सरकार ने चंडीगढ़ पहला भी 2018 एस एस पी दियां पोस्टां बारे नोटिफिकेशन जारी किया सी, जिहड़ा साडी सरकार ने वापस करवाया सी। बाजवा ने विधानसभा दे विच बुत लाउण दे मसले ते मुख्यमंत्री नूं घेरिया ते गलत शब्दावली वरतण दा इल्जाम भी लाया। अच्छी बहस होएगी लाइव ते अच्छे जवाब मिलणगे। जे इस किस्म दी गल करनगे कि बाकी ने कीता कुछ नहीं, तो ऑब्वियसली हुण अब कोई शब्दावली सो वट आई वॉन्ट फर्स्टली जिहड़ी इहनां दी गलत शब्दावली उहनूं वापस लिया। बदमाशी का शब्द इतने वरता गया, दसो है कोई गल? हाँ जी, अच्छा चलो हम रेजोल्यूशन पे आइए जी। चलो आप जी, चलो आप जिन्हें भी कोई गलत बयानी कभी भी की चंगे माहौल कैन वी स्टार्ट अफ्रेश। आप विधायिका प्रोफेसर बलजिंदर कौर ने कहा कि पंजाब दे विच साड़ी सरकार बनते केंद्र की घबराहट ते बुखलाहट नजर आ रही है, ऐसे करके केंद्र सरकार ये हरकतां कर रही है। उन्होंने कहा कि पंजाबी हमेशा औखे वेले कट्ठे होकर देश बचाने लई अगे आए ने ते हुण भी असी कट्ठे होकर जंग लड़ांगे। उन्होंने कहा कि समझ नहीं आती पंजाब दे नाल अजिहा वतीरा क्यों किया जा रहा है। पंजाब दे विच सब तो वध वोटां दे नाल जिते आम आदमी पार्टी के विधायक अमन अरोड़ा ने कहा कि पिछले लीडरां ने तां विधानसभा दे विच मक्खियां ही मारियां सी। अमन अरोड़ा दे इस बयान ते विरोधी धिर ने विरोध किया ते अमन अरोड़ा ने SYL दे मुद्दे ते भी खास सैशन सदन दी मांग कीती। आयोग ने सरदार प्रताप सिंह जी बाजवा साहब मेरे वड्डे भरा भी ने, मैं इन्हां दी प्रधानगी च काम भी कीता है, इन्हां ने दिल्ली भी, इन्हां ने लोक सभा दे विच भी बहुत वधिया काम कीता ते इत्थे उम्मीद करदे आ कि बहुत वधिया काम करनगे सारी सारी कांग्रेस पार्टी। सर इन्हां ने एक गल कीती कि असी कहड़ा मक्खियां मारियां ने, सर इन्हां ने मक्खियां तां नहीं मारियां, पर मैं दसना चाहूँगा प्लीज़ माइंड ना करो कि थोड़ी कांग्रेस पार्टी ने, थोड़ी कांग्रेस पार्टी दियां पंजाब दियां सरकारां ने ते थोड़ी कांग्रेस पार्टी दियां केंद्र दियां सरकारां ने मारियां तां हुण तक मक्खियां ही ने, मारियां तां मक्खियां ही ने। इधर पंजाब विधानसभा दे विच बीजेपी नूं छड्ड के सारियां पार्टियां दे विधायकां ने एकजुट होकर केंद्र दे इस फैसले दे खिलाफ अपने अपने पक्ष रखे ते इस प्रस्ताव नूं पास कर दिता, मते नूं पास कर दिता। केंद्र दा नोटिफिकेशन रद्द करन दा मता पास किया गया है, चंडीगढ़ पंजाब नूं तुरंत सौंपण दा मता पास किया गया है। दूजे पासे लोक सभा दे विच वी पंजाब दे MP अपना फर्ज निभाउंदे नजर आए। अकाली दल दे MP हरसिमरत कौर बादल अते कांग्रेस दे गुरजीत सिंह औजला ने चंडीगढ़ ते पंजाब दे हक नूं लैके जोरदार भाषण दिता। पंजाब सिविल सर्विस दे एक्ट दे अधीन आउंदे सी, उन्होंने सेंट्रल सिविल सर्विस एक्ट के अधीन ले आंदा, जो कि बहुत निंदनयोग है, असीं उहदी भारी विरोधता करते हैं। हमेशा ही स्पीकर साहब पंजाब का कभी BSF का दायरा बधाया जाता, भाखड़ा बोर्ड मैनेजमेंट के सीधी केंद्र की दखलदाजी होंदी है, पंजाब यूनीवर्सिटी के केंद्र दखल तो करता है, पंजाब एग्रीकल्चर यूनीवर्सिटी के असिधे तौर पर बंदे उत्थे रखे जाते हैं। और पंजाब सर एक मिनट सर, गवर्नर साहब दी ताकतां वधाई जांदियां ने, प्रधानमंत्री जी 2014 च आखदे सी ਅਸੀਂ ਕੋਆਪਰੇਟ ਫੈਡਰਲ ਦਾ ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਸਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ, ਪਲੀਜ਼ ਕੰਕਲੂਡ ਕੀਜੀਏ। ਫਿਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਆਪਰੇਟ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੇ ਸਰ ਸਾਡਾ ਸੰਘ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ,
लोक इंसाफ पार्टी के लीडर प्रितपाल सिंह बलियांवाला ने पंजाब के सबका मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का पक्ष लेंदिया आम आदमी पार्टी की सरकार को घेरिया। ट्वीट किया कि कैप्टन से सवाल चुकन तो पहला भगवंत मान अपनी कारगुजारी से ध्यान दे लैन। उन्होंने कैप्टन नू पानियां ते किसानी का राखा दस्या। भगवंत मान नू याद कराया कि तुहाडे 21 दिनां दी सरकार विच महाराजे की तस्वीर गायब हो गई है। इस दे नाल ही उन्होंने चंडीगढ़ BBMB राजसभा दे विच बाहरी लोगों मैंबरशिप देना, किसानों से लाठीचार्ज और धरने उत्ते गए मुलाजमान और टैंकियां ते चढ़े नौजवान भी याद करवा दिते। सरकार नूं ताने मारदियां बलियांवाला ने यह भी कहा कि पंजाब दे विच खजाने की लुट तुसीं देख लो कि आउंदिया ही किवें कीती है ते हो भी रही है। प्रेस ते रोकां ला रहे हो, मुलाजमान की बंदी हो रही है, बिजली ते कोले की कमी है। SYL के मुद्दे से भी उन्होंने आम आदमी पार्टी से सवाल चुके। फिर सुझाव भी दिता, कहते जे पंजाब के हकों की तुम राखी करनी है तो अरविंद केजरीवाल का हुक्म सुनना बंद कर दो, कैप्टन अमरिंदर सिंह नाल सलाह मशवरा तुसी कर सकते हो। पंजाब की नवी सरकार ने एक होर अहम फैसला लेंद्या ऐलान कर दिता है कि पंजाब पुलिस के कर्मचारी अधिकारी अपन निजी गड्डिया से लाल बत्ती सायरन ज हूटर हूँ नहीं ला सकेंगे। पंजाब सरकार ने पुलिस विभाग के मुलाजमान अधिकारियों तो इलावा उन्होंने परिवारक मैंबर के वालों निजी गड्डिया उत्ते सायरन ज हूटर लाने को गंभीरता लेंद नवा हुक्म जारी किया है। वधीक DGP ट्रैफिक पंजाब ने जिला पुलिस मुखिया ते सारे कमिश्नर पुलिस नू पत्र जारी करके इन्हां हुक्मां नू तुरंत लागू करन दी हदायत दित्ती है। इस तो पहला 2017 दे विच जदों कांग्रेस की सरकार बनी सी, कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री बने सी, तां उन्होंने भी लाल बत्ती कल्चर खत्म करन लई मुख्यमंत्रियां विधायकां नू अपनियां कारां ते लाल बत्ती ना लाउण दे हुक्म दित्ते सी, पर हौली हौली ओह माहौल फिर तो आ गया सी। दरअसल गड्डी उत्ते लगी लाल बत्ती नूं रुतबे ते दबदबे दी निशानी मन्निया जांदा है ते ओह निशानी है जिहड़ी VIP नूं आम बंदे दे नालों वक्खरा दर्शाउंदी है। ते इही कारण है कि लाल बत्ती वाली गड्डी देखदिआं ही आम लोग भी राह छड्ड दिंदे ने, ट्रैफिक पुलिस वाला भी अचानक सावधान होकर सलूट मारना नहीं भुलदा। पंजाब दे विच कणक दी सरकारी खरीद 1 अप्रैल तो शुरू हो गई है ते आम आदमी पार्टी दी सरकार दी इह पहली फसली खरीद है। विभाग के वलों मिली जानकारी के मुताबिक पहले दिन सिर्फ खन्ना, राजपुरा, खरड़, बनूड़ ते पटियाला दे विच ही बोली लगी है कणक दी। पहले दिन 4500 मीट्रिक टन कणक मंडियां दे विच पहुंची है। इस बारे पंजाब सरकार ने खरीद एजेंसियां नूं 12 घंटे फसल की अदायगी करन दे जुबानी हुक्म भी दिते ने अते ए भी वादा किया है किसानां दे नाल कि फसल तुरंत चक्की जाएगी। उधर मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने जिथे सदन दे विच नवजोत सिंह सिद्धू दे पंजाब मॉडल ते तंज कसिया उथे नवजोत सिंह सिद्धू ने भी ट्वीट करके दिल्ली सरकार नूं घेरिया है। ट्वीट करके कहा, केजरीवाल जी तुहाडे लोक दिल्ली कोर्ट विच जा रहे ने क्योंकि तुहाडी जान नूं खतरा है, पर पंजाबियों की जान की भी फिक्र करो। सिद्धू ने सनौर हल्के की एक वीडियो सांझी करदिआं कहा कि जेकर यह दिल्ली विच वापरदा है तां तुसीं इस नूं विनाशकारी कहिंदे, आ देखो पंजाब च की हो रहा है। सनौर च एक होर कांग्रेसी वर्कर की बेरहमी नाल कुटमार की है ते पंजाब च लॉ एंड ऑर्डर बहुत नीवे पद्धर ते है। सिद्धू ने एक होर वीडियो सांझी करदिआं आप वर्करां ते निशाना कसदिआं कहा कि तब्दीली जरूरी नहीं कि तरक्की ही होवे, इह बदलाव नहीं है जिहदे लई पंजाब ने सिग्नेचर किए ने। कतल, बंदूक की नोक से कार चोरी, स्नैचिंग, गुंडागर्दी, कब्जा, बेकाबू आप वर्कर स्वार्थी मनसूबों की पूर्ति करने के लिए शहीद भगत सिंह की निरस्वार्थता कुरबानी की विचारधारा तो बिल्कुल वक्रे ने। महंगाई की मार चल रहे लोगों से एक होर मार पै गई है। व्यापारिक सिलेंडर दे विच सीधा 250 रुपए वाधा कर दिता गया ते एक ही झटके दे नाल वधाई गई 250 रुपए की कीमत कारण होर चीज़ों दी कीमतों दे विच भी लाजमी वाधा होगा। इस तो कुछ दिन पहला ही घरेलू LPG सिलेंडर के भाव विच भी वाधा किया गया सी। पटियाला तो संसद मैंबर प्रनीत कौर ने किसान रोड संघर्ष कमेटी के मैंबरों समेत केंद्रीय ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी के नाल डेराबसी और बनूड़ के नैशनल हाईवे 1 के वलों एक्वायर की जमीन के इनाम पास करन दा मुद्दा क्या। ट्रांसपोर्ट मंत्री नाल मुलाकात करन तो बाद महाराणी प्रनीत कौर ने दस्या कि गडकरी जी ने साडियां मंगां सुनियां ने ते साडे नाल इन्हां मंगां दा जल्दी हल करन दा वादा भी कीता है। सीनियर कांग्रेसी लीडर ते पार्टी दे सूबा जनरल सकत्तर पवन दीवान ने पंजाब लार्ज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बोर्ड दे चेयरमैन दे अहुदे तो अस्तीफा दे दित्ता है। उत्तराखंड विच गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा 22 मई तो शुरू होगी। गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट के ट्रस्टियां ने भारतीय फौज और अपने दलों के वलों किए गए निरीक्षणों तो बाद उत्तराखंड प्रशासन ने यह फैसला लिया है। गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब के कपाट 22 मई सवेर 10:30 खोल दिए जाएंगे। यह जानकारी सानू गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब ट्रस्ट के प्रधान NS बिंद्रा ने भी दी है। केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पंथ रतन जथेदार गुरचरण सिंह टौड़ा की 18वीं बरसी मौके शिरकत करने के लिए उन्होंने जद्दी पिंड टौड़ा पहुंचे। उन्होंने जथेदार टौड़ा को श्रद्धांजलि भेंट करदे कहा कि जथेदार टौड़ा वर्गी बेदाग शख्सियत की होर कोई मिसाल नहीं हो सकती। उन्होंने अपना पूरा जीवन मनुखता की सेवा के लेखे भी लाया।
इस वक्त हरमेल सिंह टौड़ा, बीबी कुलदीप कौर टौड़ा, कंवरवीर सिंह टौड़ा ते आम आदमी पार्टी के विधायक देव मान समेत अकाली दल के सबका विधायक हरिंदरपाल सिंह चंदूमाजरा समेत कई शख्सियत हाजिर हुई। इस मौके गजेंद्र सिंह शेखावत नूं पत्रकारां ने चंडीगढ़ के मुद्दे से सवाल पूछ लिया तो वह भड़क गए। उन्होंने कहा कि मैं इतने चंडीगढ़ के मुद्दे से गल करन नहीं आया, तो जो पत्रकारां ने इस गल का खहड़ा नहीं छड़िया तो वह माइक परां करके अगे नूं तुर गए। IPS अधिकारी डॉक्टर नानक सिंह नूं पटियाला का SSP नियुक्त किया गया है। डॉक्टर नानक सिंह नूं एक ईमानदार और इंसाफ पसंद अधिकारी पंजाब दे विच मन्निया जांदा है। लोग मानते हैं कि डॉक्टर नानक सिंह ने पंजाब जिथे कितने भी काम किया है अपनी ईमानदारी और दयानदारी की छाप छड़ी है। लहरा गागा सुनाम मुख सड़क से बाबा हीरा सिंह भट्ठल कॉलेज हरी सिंह तर्क चौंक के मोटरसाइकिल ट्रक के टक्कर कारण मां पुत्र की मौके पर मौत हो गई। मोटरसाइकिल चालक पवन कुमार नूं इलाज लई सिविल हस्पताल दे विच दाखल करवाया गया। सुनाम दा रहण वाला पवन कुमार अपनी पत्नी रिंपी राणी और 4 साल के पुत्र दिवांश के नाल मोटरसाइकिल ते रिश्तेदारी च मिलण दे लई सुनाम तो जाखल हरियाणे जा रहा सी। चौंक ते रेलवे स्टेशन ते ट्रक नाल टक्कर दे विच रिंपी राणी ते दिवांश दी तां मौके ते मौत हो गई, जबकि पवन कुमार हस्पताल दे विच जिंदगी ते मौत नाल जूझ रहा है। ते पिछले दिन ही बाबा हीरा सिंह भट्ठल कॉलेज दे विच एक मुलाजम ने भी खुदकुशी कर ली सी, जिसनूं 3 साल तो तनखाह ही नहीं मिली। पंजाब दीआं खास खबरां दे इस खास बुलेटिन दे विच तुहाडे सब तों इजाजत चाहुंदे हां, धन्नवाद।